एंड भाई मैं तुम लोगों से डिस्कस करना भूल गया था, जब अपन लोग स्टार की तरफ टर्न ले रहे थे ना, तब लेफ्ट हैंड साइड पे, अब मेरे को सेक्टर का नाम तो याद नहीं है, बट वो पेपर से रिलेटेड कुछ ऑफिस था, वहाँ पे भाई दो फाइटर जेट खड़े रखे थे। गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ के बीचों बीच फाइटर जेट खड़ा दिया यार। ये कैमरे को थोड़ा ऐसे रखने दो, हाँ ऐसे आंखों में ना रिंग लाइट नहीं पड़ेगी। लोगों के घर कैंडल लाइट डिनर होता है, हमारे घर पे रिंग लाइट डिनर हो रहा है, कुछ ऐसा ही कहना है हमारी मम्मी का। अभी मतलब हुआ क्या, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को लगता है भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की ना कोई लड़ाई चल रही है। सबसे पहले बाहर की लाइट खराब हुई, फिर हमारा वाईफाई खराब हुआ, एंड अब ये हुआ क्या, एक फेज तीन फेज होते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी के, उन तीन में से एक फेस नहीं आ रहा। अब अपन पीछे से ही नहीं आ रहा, अब अपन लोगों को नहीं पता अभी वो इस एरिया का है, मेरे रूम का है, मम्मी पापा के रूम का है, कहाँ का है अपने को आइडिया नहीं है। एंड इस करके अपन लोगों ने रिंग लाइट जला रखी है। वैसे देखो किचन की लाइट एकदम बढ़िया जिंदाबाद चल रही है, वहां पे काम सही चल रहा है, बट ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते अपन लोग अपनी ट्यूब लाइट्स को गंवाने का, तो इसलिए अपन लोगों ने सोचा बेटर बी सेफ देन सॉरी, चुपचाप रिंग लाइट लगा लो और खाना खा लो। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। एंड अभी मैं जब तुम लोगों का वेलकम कर रहा था ना, तब बाकी के घर वाले भी सिंक्रोनाइजेशन में डायलॉग बोल रहे थे। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को ऑलरेडी कंप्लेंट लिखी जा चुकी है, क्योंकि मैंने कॉल करके पता कर, उन्होंने कहा तुम्हारे एरिया में दिक्कत है, कोई ना चिल सी ना चुपचाप बैठो, दो तीन घंटे में आराम से ठीक हो जाएगी। एंड मैं कोई ऐसे व्लॉग शुरू करने का प्लान भी नहीं था, बस ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था तुम लोगों को भी। आज अपन लोग रिंग लाइट डिनर कर रहे हैं, देखो क्या ड्राइंग रूम चकमका रहा है, एंड इस रिंग लाइट में अगर अपन लोग येलो करेंगे तो और प्यार, देखो क्या प्रीमियम लग रहा है। कौन कहता है रिंग लाइट के और फायदे नहीं होते, गर्म भी नहीं होने तो जनरली ना डॉक्टर गर्म हो जाता है रिंग लाइट के साथ ज्यादा रेजिस्टेंस करके। तो चलो अभी तो अपना खाना तैयार हो लिया, फटाफट चलते हैं खाना डालते हैं, खाते हैं आराम से बैठ के। मैं तो सही बता रहा हूँ यार, मेरे को तो ना इस सर्दियाँ कुछ ना करने को दो, अभी एग्जाम की डेट शीट तो आई नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे एग्जाम अब बाद में ही हो, कुछ ना करने को दो मेरे को, बस आराम से सोने दो, मेरा वाईफाई लग जान दो, फिर हॉटस्टार वगैरह मेरे को 14 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, 14 नहीं 12 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, आराम से वो देखूंगा, रजाई में गेम्स खेल लूंगा जियो वाली और सोऊंगा। सही बता रहा हूँ भाई, इस बार मेरा कुछ करने का मन नहीं है, सर्दियों में कुछ क्रिएटिव करने का मन नहीं है। तभी तो ब्लॉग भी डेजिग्नेटेड डे से एक दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम ना एनर्जी मेरी हाईएस्ट होती है, एंड कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक हो ही जाता है अभी डेजिग्नेटेड डे से एक दिन पहले शुरू करना पड़ता है ब्लॉग। बट चलो कोई ना, एनी विच वे अभी जो है तुम लोग बैकग्राउंड वगैरह देख के समझते जरूर गए होगे, बट इट्स ऑफिशियली द नेक्स्ट डे, एंड जिस दिन इस ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए थी। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो रहे हैं, 9:30 बजे के करीब अपन लोगों ने जाना है सेक्टर 17 चंडीगढ़ कुछ काम निपटाने के लिए, तो उसके लिए पहले नहा धोना पड़ेगा, तो फटाफट चलते चल के नहा धोना निपटाते हैं, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाते हैं एंड निकलते हैं अपन लोग। तो फाइनली अभी जो है अपन लोगों का नहाना धोना तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग तैयार भी हो लिए, जूते वगैरह डाल के ट्रैक सूट डाल के, बस इसके ऊपर एक जैकेट डालनी है एंड अपना सिस्टम सेट, और टोपी भी ले ही लूंगा क्योंकि बाहर ठंड हो भी रही है, एंड अपन लोगों ने जाना भी स्कूटर पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो अपन लोगों का प्री ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे आ चुका है, वैसे तो ये कोई फटाफट भेल है हल्दीराम की, उसके दो पैकेट पड़े थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी निकाल लूं अपने लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालना, मैंने सिर्फ दोनों चटनियां डाल लिया क्योंकि इसका खुद में ही फ्लेवर बड़ा बढ़िया है, काफी चटपटा सा फ्लेवर है, मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। घर वाले बाहर चाय पी रहे हैं, वैसे तो 9:30 बजे का टारगेट था निकलने का, लेकिन 10 बज चुके हैं, इसको खत्म करते हैं, बाहर घर वालों के साथ चाय पीते हैं, मतलब उनको कंपनी देते हैं एंड निकलते हैं अपन लोग अपना, और तुमको निकलते टाइम ही मिलते हैं। मेरे को तो लगता है 20 साल यही ट्रैक सूट, यही मेरे कपड़े, यही सेम जैकेट एंड यही ग्लव्स मेरे को भाई सर्दियों से बचाएंगे। सही बता रहा हूँ, मैं तो भाई कहीं भी जा रहा हूँ ना, कहीं का मतलब कहीं भी रिपीटेटिवली यही डाल रहा हूँ, यही कपड़े सेम, बट क्या करें यार, अब मेरे को अच्छी जैकेट मेरे पास और कोई मम्मी ने निकाली है नहीं, एक तो वही है जेडी में पटियाले डाल के गया था, बट यार ठीक है फिर भी वो थोड़ी सी डेलिकेट सी जैकेट है तो उसका ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं।
बट चलो कोई ना, अभी जो अपन लोगों ने अपनी अंकल स्टैंड लग रखा है, बट चलो कोई ना, अभी जो अपन लोगों ने अपनी फटाफट भेल तो खा ली है एंड अभी जो पप्पा भी स्कूटर निकाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड में स्कूटर भी इसी तरीके से स्टार्ट होता है। तो फटाफट चलते हैं, चल के फटाफट अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आज की जर्नी में और क्या क्या नवे नवे एडवेंचर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बढ़िया बात तो ये, भले ही अभी ठंड ठीक ठाक हो रही है बट भाई धूप निकल आई, हल्की हल्की चमकार पड़नी शुरू हो चुकी है एंड ये भाई उम्मीद की हल्की हल्की किरण जगा रही है मैंने अंदर भी, आज धूप बढ़िया निकलेगी। एंड सेकेंडली भले ही अपन लोग अभी पीक आर पे, मतलब जो पीक रश आर होता है ना उस टाइम पे आए हैं, पर ट्रैफिक नहीं मिला अपने को कुछ भी, मतलब कंपेरेटिवली कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला, नहीं तो इस लाइट पे तो पीछे तक जाम लग जाता है, अपन लोग कंफर्टेबली आगे खड़े हैं। बट चलो कोई ना, अभी तो सारा ज्यादा दूर है तो है, अभी भी 28 के चौक पे अपन लोग चौंक स्टार्ट तो भी ठीक ठाक दूर है एंड अपनी मीटिंग का भी टाइम भी जो है वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, तो चलो कोई ना चलता है, पर लोग फिर भी थोड़े से सेफ है अभी लेट होने के बाद। वैसे तो अपन लोगों को एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया एंड अभी जो ऑलमोस्ट 1:20 हो चुके हैं, वाईफाई वाले भैया का फोन 12 बजे नहीं 11:30-12 के करीब आया था, अभी जो लड़का है वो आएगा 2 बजे, तो 45 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स के बाद अपन लोगों के घर पे वाईफाई इंस्टॉल हो जाएगा। बट चलो कोई ना, एंड अपन लोगों का यहाँ का काम हो गया एंड भाई सही बता रहा हूँ, भले सुबह वो बेलपूरी सी खा ली थी बट इस टाइम पे जो भूख, जो गंदे वाली भूख लग रही है ना, ऊपर से मम्मी ने गर्मा गर्म परांठों की फोटो भेजी जो मम्मी ने खाई, वो मन कर आया। तो घर अपना थोड़ा सा दूर है, फटाफट घर चलते, घर चल के आराम से परांठे एंजॉय करते और वाईफाई इंस्टॉल करते, क्योंकि उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट है, साथ में फैमिली का यार आराम से टीवी पे देख पाऊंगा मैं, कितने मतलब मजा आएगा यार। एंड भाई मैं तुम लोगों से डिस्कस करना भूल गया था, जब अपन लोग स्टार की तरफ टर्न ले रहे थे ना, तब लेफ्ट हैंड साइड पे, अब मेरे को सेक्टर का नाम तो याद नहीं है बट वो पेपर से रिलेटेड कुछ ऑफिस था, वहां पे भाई दो फाइटर जेट खड़े रखे थे। वैसे तो मैं उनको बार बार देखता हूँ लेकिन आज इतने ज्यादा क्लियरली दिखे, मैंने कहा भाई इनका तो व्लॉग बनाना बनता है, हल्के से मोन्टाज में वो आगे होंगे, स्क्रीनशॉट भी यही लगा दूंगा, मतलब यार बंदे ने जस्ट गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ के बीचों बीच फाइटर जेट खड़ा दिया यार, ये बंदे को भी रेडलाइट क्रॉस करी बिना किसी डर के, क्या बात है, 5,000 के चलाने इसको मेरे हिसाब से पता नहीं है, तो जब घर चलाना आएगा तभी पता लगता है। साला घर आती भाई भूख इतनी ज्यादा जबरदस्त लग रही, मैंने फटाफट ऐसे करके परांठा खाया एंड तुम लोगों को ज्यादा दिखा भी नहीं पाया यार, बहुत थकावट हो गई मेरे को बहुत ज्यादा। बट अभी मेरी भैया से बात हुई थी, वो कह रहे हैं थोड़ी देर में बंदा भेज रहे अपना जियो फाइबर इंस्टॉल करने के लिए एंड मैं सोच रहा हूँ उसको कल के ब्लॉग में ही दिखाऊंगा, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आराम से इत्मीनान से, और इसकी स्पीड भी तो चेक करनी है नेट की, तो ठीक है इसको आराम से अपलोड करके देखेंगे। तो ऑलमोस्ट 2:15 हो चुके हैं, अपन लोगों के पास दिखाने कुछ बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ बचा, तो इसे नोट पर करना आज वीडियो को एंड, होप करना तुमको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, तुम लेंगे एकदम जिन एकदम एक्सपीरियंस के साथ, टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू।